अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि कल आप लोगों ने, जैसे डकी के जो फैंस हैं उनके लिए, आप लोगों ने व्लॉग देखा होगा डकी का, जिसमें डकी के घर में चोरी होती है और काफ़ी iPhone 15 Pro Max उसका कैमरा जो भी है, जो सारी चीज़ें चोरी होती हैं वो आप लोगों ने उसके उसमें देखा है, एक क्लिप में दिखाई गई है। अब लोग ये देख रहे होंगे कि वो बंदा कल के उसके व्लॉग में देखा जाए तो वो बंदा पकड़ा गया जिसने चोरी की थी। इसके दोस्त के पास सामान मिला है, मतलब फुल ड्रामे बाज है। आप फुल ड्रामे मुंडा तो फड़ के ले आओ, देखें तो सही उसको। कुछ शूट लगानी हो लगा, कुछ शूट लगा ले। नहीं अलाउ नहीं। अगर हम बात करें तो लोग कह रहे हैं कि ये स्क्रिप्ट है, तो पहले तो मैं सबको ये क्लियर कर दूं कि ये स्क्रिप्ट नहीं है, चोरी वाकई में हुई थी। अब इसके अंदर अगर जो पॉइंट वो ये है कि जी पंजाब पुलिस की बात करें तो पंजाब पुलिस ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया है, लेकिन पॉइंट मेरा यही है कि अगर किसी गरीब की चोरी होती है वहाँ उसका कभी भी कोई चीज़ रिकवर नहीं होती, और कभी बात तो सही है किसी एक अमीर बंदे की चोरी होती है जिसको हो सकता है उस सामान की जरूरत भी नहीं होती है, वो भूल जाता है उस जी अलम। ठीक है, ठीक है। देखिए भाई, पहले अपना ये इस्तेमाल चेक करें अपना सारा। ओए ओए ओए, दुकान लूट लाए हैं आप है? यार ये सील फेंकता, तो मेरा है ये तो पूरे पाकिस्तान में मेरे अलावा कोई इस्तेमाल वैसे भी नहीं करता। अच्छा, ये iPhone 15 ये भी मेरा ही है जी, लेकिन उसने स्क्रेचेस मार दिए हैं। ये मेरा पहला एंड्रॉइड फोन था, ठीक है, ये मेरा दूसरा एंड्रॉइड फोन है, ये मेरी एप्पल वॉच है, यही वाला जो ये मेरी एप्पल वॉच ना, यही वाला की चीजें पंजाब पुलिस रिकवर करवा देती है, ये मेरा एक सवाल है। और अच्छी चीज़ है कि ये जी पंजाब पुलिस को मैं इस चीज़ पे एडमायर करता हूँ कि भाई इन्होंने बड़ा अच्छा मेहनत करके उस बंदे को पकड़ लिया जो भी किया, और पुलिस को आप कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, ये करने को कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। जैसे कि उन्होंने डकी का जो है वो सामान सारा रिकवर करवाया। अच्छा, तो डकी को पता चलता है चोर पकड़ा गया, डकी पुलिस स्टेशन जाता है, पुलिस स्टेशन में बैठता है ASI के साथ, बड़ा वो ASI साहब भी अच्छे लग रहे थे माशाल्लाह, दीनी आदमी, दीनी इस्लामी आदमी लग रहे थे, तो वो कहते हैं जी आपका ये सामान है, वो देखता है बिल्कुल, वो कहता है ये तो मेरा ही सामान है, तो कहते हैं जी ये हो गया रिकवर, वो कहते हैं जरा मुझे चोर से मिलवाएं, तो कहते हैं ठीक है। चोर आता है जी, वो कहता है कि इसको ब्लर कर दीजिएगा और सारा बेचारा करके। अच्छा, अब इसके अंदर जो मजे की चीज़ आने वाली है वो सुनिएगा। पहली तो चीज़ ये है कि जब डकी ने उसको ब्लर कर दिया अपने व्लॉग में तो वो बेचारा टिकटॉक पे वायरल हो गया। अच्छा, ये बंदा है भाई, मैं आपको करना क्या था, आपने पैसे पूछे लेके उसके बाद मुझे बस एक बात बताओ, आपने क्या सोच के ये किया यार, बस यंग हो आप, क्या एज क्या है, उम्र क्या है, उम्र क्या है तुम्हारी? 21। तो तुमने सोचा नहीं था कि पकड़े जाओगे बाद में? हैं, इतना हलवा लिया हुआ तुमने पुलिस को, हैं पुलिस को इतना हल्का समझा हुआ है, इसको पता नहीं ना, ऊपर से तुम्हारी किस्मत बुरी है, तुम मुनीब का बैग ना लेके जाते तो शायद पकड़े भी ना जाते हैं, वो तो हमें घर में खबर ही तब हुई थी जब तुम मुनीब का बैग लेके गए थे। किस्मत नहीं ठीक है, किस्मत, लेकिन चोरी का तरीका अच्छा है इसका, जो भी हो पकड़ा जाता है इंसान, पकड़ा जाता है एक ना एक। ठीक है, जिसने भी की चोरी की सारा कुछ किया, लेकिन उसको वायरल करना मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ नहीं थी। नंबर टू जो चीज़ है उसमें ये है कि जी डकी ने कहा है कि जी जैसे मैंने अपने ब्लॉग में कहा था कि जो भी चोरी करेगा मैं उसका आप मुझे बताएं, मैं उसको कोई कैश प्राइस दूंगा या जो भी, तो ख़तरनाक बात ये है कि चोर को पकड़वाने वाली ही उसके अपने ख़ानदान वाले थे, अपने रिश्तेदार थे उसके, तो यानी कि ये कितना डेंजरस पॉइंट है कि यार अपने रिश्तेदारों ने ही उस बच्चे को पकड़ा दिया। अब दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो उसकी फैमिली ने कहा होगा हमें इसके अगेंस्ट पेमेंट मिल जाएगी, इतनी पेमेंट मिल जाएगी हम चीज़ें रिकवर करवा देते हैं, या इसके रिश्तेदार जो बेचारे उसको बर्दाश्त नहीं कर सके कि यार इसके पास इतनी चीज़ें आ गई हैं हमारे पास नहीं है। अबे तू किसके बारे में बात कर रहा है? तो उन्होंने उसको पकड़वा दिया, वट एवर जो भी हुआ, तो लेकिन इसमें समझ आने वाली बात ये है कि पैसा ऐसी चीज़ है कि जिसमें आपके अपने भी अपने नहीं बनते, तो बड़ा खतरनाक काम हुआ है, बड़ा खतरनाक मामला था। और इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा यही था कि यार अजीब जिंदगी है कि अमीरों की चीज़ें रिकवर हो जाती हैं और गरीबों की चीज़ें आज तक रिकवर ही नहीं हुई। आप मुझे बता दें कि सोशल मीडिया खोल दें किसी गरीब की चोरी हुई हो, कितने सैकड़ों केसेस हैं जो थानों में रुल रहे हैं, बेचारों की सारी जिंदगी की जमा पूंजी थी वो आज तक नहीं मिली, और जिन लोगों को कुछ पता नहीं चलता कि यार ये चोरी उन पर इतना इफेक्ट नहीं करती, उनकी चीज़ें रिकवर हो जाती हैं। तो ये मेरा सवाल है, मैं उस कल से ये सोच रहा हूँ, मैंने उसका व्लॉग देखा था, वैसे मैंने उसको सब्सक्राइब नहीं किया हुआ लेकिन मैंने उसका व्लॉग देखा था, तो उसमें मैंने ये देखा तो मैं बड़ा परेशान था। मैंने सोचा कि जो जिन्होंने देखा होगा ना ये लगा होगा कि यार ये स्क्रिप्ट है। पहली तो बात ये है, मैं क्लियर कर दूँ, स्क्रिप्टेड नहीं था, क्योंकि ज़्यादातर स्क्रिप्ट जो बनाता है वो रजब भट्ट बनाता है, डकी नहीं बनाता, क्योंकि डकी का इतना दिमाग ही नहीं है कि वो स्क्रिप्ट बना सके। तो इसलिए क्योंकि डकी आपको पता है किसी और चीज़ पर चल रहा है और रजब किसी और चीज़ पर, दोनों का पैटर्न डिफरेंट है। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे कभी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।